गाइस, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड पे। कैसे हैं आप सब? आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही खास मैक प्रोडक्ट से मेकअप, ब्राइडल मेकअप लुक। और मेरी रियल ब्राइड है ये, और मेकअप प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मैक भी यूज़ किया है, मैक की आई शेडो, मैक का फाउंडेशन, और देखेंगे मैक का ग्लो कितना अच्छा होता है। और अगर आपको बेस से करने में प्रॉब्लम है और आपके बजट में है तो आप मैक के प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। बट ऐसा ही नहीं है कि आप सारे ही प्रोडक्ट मैक के लें, आप मिक्स एंड बैच करके कर सकते हैं। जैसे HD प्रोडक्ट आप फाउंडेशन बेस ले लें, और जैसे मैक है तो आप फाउंडेशन ले लें, आई शेडो वगैरह किसी और की भी कर सकते हैं, बट वो बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आपका मेकअप काफ़ी अच्छा हो। और यहाँ पर सबसे पहले की है मैंने क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। तो क्लिन यहाँ पर प्लम की है क्लिनजिंग, उसके बाद टोनर लगाया है। टोनर भी मैंने प्लम का ही लिया है। इस तरीके से टोनर को ले लेंगे और डैब डैब करके अपनी स्किन पे लगाएंगे, और इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। डायरेक्ट आप एकदम से यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगा तो हम ले लेंगे मॉइस्चराइज़र, और ये भी आप अपनी स्किन पर अच्छे से लगा लेंगे, अपनी ब्राइड की स्किन पर। और देख रहे हो मैंने इनका अपर लिप एरिया आधा घंटा पहले किया है, क्योंकि उस दिन काम ज़्यादा होने के कारण हम भूल गए थे अपर लिप करना, तो वो एरिया रेड हो रहा होगा। और आप सोच रहे होंगे कि रेड हो रहा है तो मेकअप में बिल्कुल अलग दिखेगा, तो मैं बताऊंगी किस तरीके से कवर करेंगे उसे भी। और इसके बाद लगा लेंगे हम मॉइस्चराइज़र, और मॉइस्चराइज़र के बाद लगाया है हमने प्राइमर। प्राइमर कलर बार का लगाया है, और मॉइस्चराइज़र भी प्लम का ही लिया है। और ये है वेट एंड वाइल्ड की कंसीलर पैलेट, कलर कैरेक्टर जैसे कि हमारे होते हैं और कंसीलर। तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ, जहाँ पर हमारे रेड कलर के या पिंक कलर के निशान दिखाई देंगे आपको। देख लो आप पर ये एरिया इनका बहुत ज़्यादा रेड हो गया था, तो मुझे ये था कि अगर मैं बेस लगाती तो वो अलग से दिखाई देता, तो इसीलिए मैंने इनको ग्रीन कलर से दबा दिया है, ताकि जब तक मेरी मेकअप की बारी आएगी स्किन में तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ HD प्रो कंसीलर, आइवरी कलर लिया है मैंने यहाँ पर। आप चाहेंगे तो आपके पास मैक का है तो आप वो भी ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आईज़ के लिए बेस बना रही हूँ मैं, तो यहाँ पर इस तरीके का ले लेंगे। और ये मैक के कलर कैरेक्टर जो मैंने दिखाए हुए हैं, अगर डार्क एरिया है तो उस तरीके से ये भी यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो ये 6 कलर आते हैं मैक के कलर कैरेक्टर, और कंसीलर पैलेट है ये भी। तो आपको मिलती है तो आप ले सकते हो अपने बजट में, आपको अगर प्रोडक्ट इस तरीके के यूज़ करने हैं तो। और यहाँ पर अच्छे से फैला लेंगे इसको अपनी छोटी ब्रश की सहायता से। और ये ब्रश मैंने कलर फैक्ट्री से मंगवाए थे, काफ़ी सारे ब्रशेज़ हैं मेरे पास, आपको दिखाऊंगी, बट अभी थोड़ा ब्राइडल सीजन है तो काफ़ी काम है, इसीलिए मैं प्रॉपर दिखा नहीं पा रही हूँ आपको अपने ब्रश। और ये वाला ब्रश मेरा फिनोवो का है, काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद जो ब्रश मैं यूज़ करती हूँ वो ल्योर सेंस के हैं। इस तरीके से मेकअप को सेट कर लेंगे। और यहाँ पर ले रही हूँ मैं NC25 मैक का। इसमें आपको 25, 35, 42 जैसा भी आप फाउंडेशन यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कॉम्पैक्ट मिल जाते हैं मैक के। और इसे अच्छे से अपने कंसीलर को सेट कर लेंगे बिल्कुल, ताकि कोई भी लाइन ना आए। इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा सेट। उसके बाद चलते हैं अपनी आईब्रोज़ की तरफ। तो यहाँ पर ले रही हूँ म्यूज़िक फ्लावर का लॉन्ग लास्टिंग जेल लाइनर और डिफाइनर राइड, ये 2-in-1 है। और इसमें हमें पाउडर बेस में दिया होता है डिफाइनर, और जेल बेस में दिया होता है आईलाइनर। तो आप चाहे तो जेल बेस से अपनी आईब्रोज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो आप जब आईब्रोज़ बना रहे हैं तो स्टार्टिंग करें कि आप बैक से ही करें, और अगर आपका हाथ अच्छा बैठा हुआ है तो आप फ्रंट से भी कर सकते हो। अगर आप बिगनर्स हैं और स्टार्टिंग एकदम फ्रंट से करेंगे तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत छोटी छोटी और अच्छी अच्छी बातें, जो कि आपको अच्छी भी लगेंगी। और वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग है तो प्यार से देखें और अच्छे से, और नाराज़ ना हो कि इतने लॉन्ग वीडियो क्यों होते हैं। आप कहेंगे तो मैं बहुत शॉर्ट कर दूंगी, लेकिन आपको सिखाने के लिए और दिखाने के लिए अच्छी वीडियो बनाना चाहती हूँ, तो इसलिए थोड़ा लॉन्ग हो जाती है। और यहाँ पर ले रही हूँ मैं रेवोल्यूशन की आई शेडो पैलेट, देख सकते हैं इसमें 12 शेड हैं और काफ़ी अच्छे हैं। ये इंग्लिश कलर है, आप अगर नेचुरल और न्यूड मेकअप करना चाहते हैं तो आई शेडो आपके लिए बहुत अच्छी है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले ब्राउन कलर क्यों लेती हूँ, आपने कि ब्राउन कलर यूज़ करें, ब्राउन कलर हम कॉन्ट्यूरिंग के लिए यूज़ करते हैं, आई कॉन्ट्यूरिंग के लिए। तो यहाँ पर ब्राउन शेड लेने से डिफरेंट लुक भी आता है, और इस तरीके से ले लेंगे। उसके बाद मैं ले रही हूँ हिलेरी रोडा का रेड कलर। ऐसा नहीं है कि आप एक ही आई शेडो पैलेट ले लेंगे, आपको जो आई शेडो पैलेट में जो कलर अच्छा लगता है तो आप उस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पर यूज़। मैंने थोड़ा सा यहाँ रेड कलर लिया है, और ये मैक के आई शेडो में तो आप ले सकते हो। देख रहे हो मैक की आई शेडो मेरे पास इंग्लिश कलर की थी, और ब्राइड है तो मुझे रेड और ब्लैक तो ज़रूर चाहिए। तो इंग्लिश कलर मैं आपके साथ कभी फिर दिखाऊंगी, और आपने देखी है मेरी मैक की आई शेडो। और उसके बाद थोड़ा सा इन्हें डार्क कर लेंगे, और इसके बाद ग्रीन शेड ले रही हूँ, ये भी हिलेरी रोडा के में से ले रही हूँ। आपके पास
कोई भी किसी भी आई शेडो पैलेट में है और जो कलर आपको पसंद आते हैं तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं आई शेडो। आप भी देखते हो मैं कितनी आई शेडो यूज़ करती हूँ डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि मुझे प्रॉपर शेड चाहिए होते हैं जो मुझे हर एक एक कंप्लीट आई शेडो में नहीं मिलते हैं। तो ये तो हमारी प्रॉब्लम होती है कि हमें एक आई शेडो में शेड नहीं मिलते जो हमें चाहिए होते हैं। तो एक ग्रीन कलर मैंने इस तरीके से लगाया, आज फ्रंट में लगाया, आपने देखा था कि मैंने अपनी डॉटर के मेकअप किया था तो उसके बैक में लगाया था। और जब हम ग्रीन ज्वेलरी का यूज़ करते हैं रेड के साथ तो आप ग्रीन कलर हल्का सा इस पे लगाएंगे तो आपको बहुत डिफरेंट लुक मिलेगा। और यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा रेवोल्यूशन की पैलेट किट से ब्लैक कलर, तो आप चाहें कि तो मैक की आई शेडो किट में से भी ले सकते हैं। और इस तरीके से बैक के कॉर्नर एरिया पे लगाएंगे और फ्रंट की तरफ आ जाएंगे हल्का सा, बिल्कुल भी डार्क नहीं करूँगी मैं, बिल्कुल नेचुरलाइज करूँगी ताकि अच्छी लगे। आजकल कोई भी डार्क इतनी पसंद नहीं करता है। हाँ, मैंने अपनी एक अगली ब्राइड को की है थोड़ी सी गोल्डन के साथ ब्लैक, तो वो भी सोचूंगी आपको दिखाऊं। और काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो दूंगी, सिलिकॉन मेकअप का भी दूंगी आपको, कोशिश करूंगी ज़्यादा अच्छे अच्छे दूँ। घर में वेडिंग है तो थोड़ी बिजी चल रही हूँ आजकल। और उसके बाद कर लेंगे हाईलाइटर। हाईलाइटर आईब्रो के नीचे मैंने मैक में से किया है, और आप रेवोल्यूशन का या कोई भी यूज़ करना चाहे कर सकते हो, काफ़ी अच्छे ब्रांड है ये। और उसके बाद यही अपना ब्राउन शेड जो मैंने सबसे फ्रंट में लिया था वो अपनी आईज़ के नीचे इसी तरह से कर देंगे। मैं आपको दोबारा करके दिखा दूंगी एक बार, क्योंकि मैं एक बार बेस लगाने के बाद भी दूंगी। और ये देख सकते हो ये हमारा थोड़ा सा आईज़ मेकअप है कंप्लीट, मैं बाद में करूंगी। उसके बाद चलेंगे अपने बेस की तरफ। तो यहाँ पर मैं NYBA का ही येलो कलर कैरेक्टर यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास नहीं है, ना ही मेरे पास एले गर्ल में है ये, और ना ही मेरे पास मैक में है। मैं आपसे कुछ भी छुपाऊंगी नहीं। तो आपके पास कोई भी येलो कंसीलर है आप यूज़ कर सकते हैं, जो मैक का मैंने आपको दिखा रहे हो, आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये कलर कैरेक्टर ले सकते हो। आपकी कंसीलर पैलेट है मैक की 6 आती है, बट यहाँ पर मैंने NYBA लगाया क्योंकि आप कलर किसी से भी करेक्ट कर सकते हो अनइवन स्किन टोन को। आप कोई भी क्रायलोन का ले सकते हो, कुडोस का ले सकते हो, मैक का ले सकते हो, NYBA का ले सकते हो। और ये देख सकते हो मैं डार्क एरिया को एले गर्ल प्रो कंसीलर से छिपा रही हूँ, ये है हमारा। और इस तरीके से तो कलर अपने अनइवन स्किन टोन को किसी भी कलर कैरेक्टर से आप छुपा सकते हैं। और बेस जो होगा वो हमारा मैक होगा, ये देख सकते हो ये NYBA और एले गर्ल का है जो मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। और लिंक सभी प्रोडक्ट के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप देखना चाहेंगे तो, और देख सकते हैं तो एक क्लिक ज़रूर करके देखें, आपको अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे। और उसके बाद चलेंगे यहाँ पर मैंने हल्का सा बेस लगाया है बिल्कुल, ताकि स्किन हमारी बिल्कुल वो हो जाए, जहाँ से इनकी स्किन पे थोड़े थोड़े तिल थे आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, तो अच्छे से इसको फैला लेंगे। और ये लिया है मैंने NC42, ये है 42, इनकी स्किन के अकॉर्डिंग है। पहले भी मैंने यही लगाया है बट थोड़ा सा पिक्चर आगे पीछे हो गई है, तो आप अच्छे से देख लेंगे और आप ग्लो भी देखेंगे। फाउंडेशन है, आप आसानी से मेकअप कर पाएंगे। आप चाहेंगे स्किन टोन डार्क है या ब्रिटिश है तो NC डार्क है तो NC20 ले लेंगे, ब्रिटिश है तो NC25 ले लेंगे, या फेयर है तो NC42 ले सकते हैं, 40 ले सकते हैं। इस तरीके से चलते हैं स्किन, और कॉम्पैक्ट भी आपको इसी में मिल जाएंगे मैक में, और ब्लेंड भी नहीं करना पड़ता, और इसका ग्लो आपको हैंड टू हैंड अभी दिख जाएगा। इस तरीके से अपनी ब्रश की सहायता से ही लगा लेंगे, मैंने कुछ और नहीं लगाया है, सिर्फ यही फाउंडेशन लगाया है कलर को करेक्ट करने के बाद। और ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद देख रहे हो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक फाउंडेशन लगाया NC42। और अभी मेकअप को सेट नहीं करूँगी, पहले मैं कॉन्ट्यूर करूँगी, और कॉन्ट्यूर रेवोल्यूशन से ही कर रही हूँ मैं। रेवोल्यूशन की 3-in-1 पैलेट किट है। इस तरीके से अपने चिक एरिया से कर लेंगे ताकि ये एरिया हमारा दब जाए, और चिन एरिया कर लेंगे, और इनका फोरहेड एरिया भी करूँगी। देख सकते हो कितनी अच्छी कॉन्ट्यूरिंग होगी, और थोड़ा सा फेस बढ़ाए तो आप साइड से भी कर सकते हो। और नोज़ एरिया को भी कर लेंगे अपने, नोज़ काफ़ी शार्प दिखाई देगी, फ्रंट से अगर लंबी है तो यहाँ से भी कर लेंगे। जितना अच्छा आप मेकअप करना चाहेंगे, तो आपका बेस देख सकते हो मैक का बेस है बट अभी अधूरा है क्योंकि मैंने कंसीलर का यूज़ नहीं किया है यहाँ पर। और इस तरीके से हम कंसीलर लगाएंगे कॉन्ट्यूर करने के बाद। मैं कंसीलर लगा रही हूँ, कंसीलर बिल्कुल भी अलग से नहीं लगाया है मैंने, NC42 को ही दोबारा लिया है, क्योंकि आप देख रहे हो जब हम डबल कोट करेंगे तो वो एरिया हमारा खुद ब खुद उभर के आ जाएगा, तो मैंने यहाँ NC42 को ही डबल कर दिया है।
और ये हमारी मैक की फाउंडेशन है, ट्यूब फाउंडेशन। इसमें तीन तरह की आती है, कांच की बॉटल भी आती है, प्लास्टिक की ट्यूब में भी आती है और एक बड़ी बॉटल भी आती है। तीन तरह की आपको देखने में मिल जाएगी। और उसके बाद करेंगे हम अपने मेकअप को सेट। पहले हमने कॉन्टूर किया है, फिर हमने कंसीलर किया है हाइलाइटिंग एरिया पर जो हमें उभारने हैं, और उसके बाद मैं कर रही हूँ मेकअप को सेट। तो यहाँ पर NC42 कर लेंगे। इस तरीके से मेकअप को सेट कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से, जितना भी हमारा बचा था। कॉन्ट्यूर को नहीं करेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पाउडर कॉन्ट्यूर किया है, तो पाउडर कॉन्ट्यूर को हम सेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप क्रीम कॉन्ट्यूर करते हैं तो आपको उसे पाउडर कॉन्ट्यूर से सेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर ब्लशर लगाया मैंने, बिल्कुल लाइट ब्लशर लगाया है, रेवोल्यूशन की पैलेट किट में से लगाया है, 3-in-1 पैलेट किट है ये, उसी में से यूज़ किया है। इसके बाद चलेंगे अपने लाइनर की तरफ। मैं फेक आईलैशेस लगाने से पहले लाइनर लगाना पसंद करती हूँ ताकि हमारे बीच का एरिया दिखाई ना दे, बट आज कुछ डिफरेंट दिखाऊंगी इसलिए आगे चल के बताऊंगी आपको किस तरीके से किया है। और लाइनर पतला या मोटा आप पे डिपेंड करता है, यहाँ पर हल्का सा लगा लेंगे और उसके बाद लगाएंगे अपनी फेक आईलैशेस, 3D आईलैशेस है। आप पूछ तो मैम 3D क्या होते हैं, तो 3D के प्रोडक्ट होते हैं हमारे, मैं ये भी शेयर करूँगी आपके साथ। और यहाँ पर ले रही हूँ मिस क्लियर का ग्लू, तो देख लेंगे किस तरीके से लगाया। मैं सेकंड आपको लगाना है बता देती हूँ। इस ग्लू को लगाने के बाद एक सेकंड के लिए छोड़ देंगे, डायरेक्ट गीली नहीं लगाएंगे वरना आपसे लगेगी नहीं, हट जाएगी। थोड़ी सी ड्राई हो जाए तो लगाएं, और आप देख सकते हो कितनी अच्छी लगती है हमारी 3D आईलैशेस। लेकिन आप चाहते हैं काफ़ी लॉन्ग लगाने, जो कि मैंने अपनी डॉटर की लगाई थी, P.Priya Beauty Secrets है, और उनके हुड्डा की लगाई थी, वो काफ़ी लॉन्ग थी, तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। वापस चलेंगे अपने जेल लाइनर की तरफ, तो आप अपने अकॉर्डिंग मोटा या पतला लगा सकते हैं। या मैं थोड़ा सा मोटा लगा रही हूँ और डार्क ब्लैक कलर का लगा रही हूँ, म्यूजिक फ्लावर का जेल लाइनर। और उसके बाद इसी से कर लेंगे अपनी आईब्रोज़ को एक बार डार्क, क्योंकि हमारा बेस हो चुका है। और देख रहे होंगे बेस के अकॉर्डिंग फाउंडेशन से कितनी जल्दी हुआ है मैक से। आप चाहते हैं आप प्रोडक्ट ले सकते हैं या आप चार्ज ले सकते हैं अपने क्लाइंट से, तो ये बहुत जल्दी बन जाता है मेकअप, जल्दी हो जाता है फाउंडेशन से, और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है और काफ़ी शाइनिंग भी करता है। ये फ़र्क है हमारे मैक के प्रोडक्ट में, तो आप ले सकते हैं। और उसके बाद कर लेंगे एक बार अपने आइज़ के नीचे वाले एरिया में, वही ब्राउन शेड काफ़ी डिफरेंट लुक देगा। आप चाहे तो रेड भी कर सकते हैं, जैसा आप करना चाहे कर लें, और देख सकते हैं आई लुक काफ़ी डिफरेंट आ जाएगा इससे। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारी काफ़ी अलग तरीके से होती हैं और काफ़ी डिफरेंट दिखाती है हमारे मेकअप लुक को। और ये देख सकते हैं इनका आइज़ लुक, अभी मैंने ग्लिटर वगैरह कुछ भी नहीं किया है। अगर आपको थोड़ा सा लाइट लगता है तो विदाउट टिशू लगाए भी कर सकते हैं, बट टिशू लगाना क्यों जरूरी होता है, ताकि नीचे डस्ट ना गिरे और आपका मेकअप भी बिल्कुल भी ना बिगड़े। और देख रहे हो मैं मेकअप पे डायरेक्ट हाथ रख देती हूँ, बिल्कुल भी हटता नहीं है। कई लोग पैड डाल के लगाते हैं जिससे कि उनका मेकअप ख़राब होने का डर रहता है, बट ऐसा नहीं है। और ये रेवोल्यूशन की ब्लश हाइलाइटिंग पैलेट है, तो इसी में से मैंने आइज़ के फ्रंट एरिया पर थोड़ा सा हाइलाइटर लगाया, देख सकते हो इस तरीके से। और इसी से फेस पर भी करूँगी मैं रेवोल्यूशन की हाइलाइटर से। आप चाहेंगे तो मिनी पैलेट किट से जो मैंने दिखाई थी 3-in-1 उसे में लगा सकते हो। और मैंने आपको फेसिस अल्टाइन प्रो के भी हाइलाइटर का रिजल्ट दिखाया है, और आप देख सकते हो रेवोल्यूशन हाइलाइटर का रिजल्ट, अपने मेकअप को बहुत सुंदर बना सकते हैं। अभी मैं चाहती तो इनका मेकअप और ज़्यादा ग्लो कर देती हाइलाइटर की क्वांटिटी को बढ़ाकर, बट मैं ऐसा भी नहीं करना चाहती कि बिल्कुल फेस पे हाइलाइटर ही नज़र आए। और आप देख सकते हो इनका हाइलाइटर कितना सुंदर लग रहा है, और क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं है बट ग्लो देख सकते हैं। मेरी वीडियो में ही आप देखेंगे प्रोडक्ट के रिजल्ट और मेकअप का लुक भी। उसके बाद लेंगे हम काजल। काजल आप चाहें तो यहाँ शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको लिंक दे दिया है, या फेसिस अल्टाइन प्रो का काजल काफ़ी अच्छे हैं। आपने देखा होगा कि मैं अपनी किसी भी ब्राइड में लगा रही हूँ, लाइनर नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि ये ऐसे काजल हैं जो लॉन्ग लास्टिंग है, स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है और बिल्कुल भी फैलते नहीं है। और अभी मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कि जैसे कि आपको दो लेने थे तो एक का पे करना था, तो वो वीडियो भी मेरा चेक कर लेंगे। और उसमें मैंने दिखाए हुए हैं कौन कौन से अच्छे लाइनर और काजल हैं, और ये देख सकते हो। उसके बाद अपनी लगाने के बाद आप ब्रश से इसे मर्ज ज़रूर करेंगे, अगर आप मर्ज नहीं करेंगे तो ये कहीं ज़्यादा कम कहीं कम दिखाई देगा। और ये देख सकते हो एक छोटी सी बात, अपने आँखों के ऊपर वाले एरिया पर भी काजल लगा लेंगे, जिससे आपकी फेक आईलैशेस और नेचुरल आईलैशेस बहुत ज़्यादा डार्क दिखाई देंगी। ये देख रहे हो थोड़ी सी चीज़ से काफ़ी डिफरेंट लुक दिखाई देगा आपको। और आईज़ को बड़ा करने के लिए आप यहाँ पर चाहेंगे तो कंसीलर का यूज़ कर लेंगे, बट कंसीलर भी लगाना बताऊंगी, बट आपको ज़्यादा अच्छा है कि आप काजल का यूज़ करें। स्टे क्योर की वाइट काजल यूज़ कर लेंगे, और ये देख सकते हो आइज़ का लुक।
और विदाउट ग्लिटर है अभी, मैं ग्लिटर करूँगी तो साथ के साथ देखेंगे इसका रिजल्ट। और यहाँ पर आप सबसे पहले लगा लेंगे लोटस का लिप बाम, और यहाँ पर मैंने आज बाद में लगाया है, तो अगर आप बाद में लगाते हैं तो एक बार ज़रूर से कंसीलर या अपना लगा ले लिप पे, क्योंकि कई बार डार्क लिप होते हैं, बट इनके ठीक है लिप्स, ज़्यादा डार्क भी नहीं है। तो यहाँ पर लोटस का लिप बाम यूज़ किया था मैंने, और उसके बाद दे देंगे अपने लिप्स को एक अच्छी शेप। आप चाहें तो ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ मैं वेगा का ब्रश ले रही हूँ लिप ब्रश, और ब्रश की सहायता से आप कोई भी अपने लिप्स को शेप दे सकते हैं। इस तरीके से करेंगे शेप, और नीचे भी एक पतली सी आउटलाइन बना के चलेंगे। इससे आसान हो जाता है क्योंकि ये लिप शेड काफ़ी फिक्स होते हैं, और ये मैं यूज़ कर रही हूँ स्टे क्यूर के का 23 नंबर। और इनके लिए भी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, 5 तारीख को मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी 4 तारीख को, जो कि बहुत अच्छी होगी। आप लिप शेड लेना चाहते हैं तो वहाँ पर सेल होगी 12 से 5 बजे तक, जो कि अगर 500 का लिप शेड है तो आपको सिर्फ 250 में होगा, या आपका 400 का लिप शेड है तो वो 200 में होगा। काफ़ी अच्छी सेल होगी, और वो वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूँगी 4 तारीख को ही, तो देखना ना भूलें बिल्कुल भी। और ये ब्राइड लुक आप देख सकते हैं, लिप शेड देख रहे हो, मैंने बिल्कुल छोटे लिप्स कर दिए थे इनके, लेकिन बड़ा वाला लिप्स अगर बड़ा है तो आप छोटे वाले लिप्स को भी बराबर कर दे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने लिप ब्रश की सहायता से बढ़ा दिया है लिप्स को, और उसके बाद देख लेंगे। ये थोड़ा चेरी कलर में आ रहा था, मुझे इतना अच्छा नहीं जच रहा था ये कलर। तो जैसे आप चाहते हैं कि आपको हॉट रेड लुक चाहिए तो NYB का 10 नंबर थोड़ा सा बीच में भर दूंगी मैं, देख रहे हो कितना डिफरेंट लुक मिलता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी चाहिए होती हैं अपने मेकअप में, और अपनी गलतियाँ मैं खुद देख लेती हूँ तो इससे और ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने आईब्रोज़ मर्ज मैंने पहले नहीं की थी तो बाद में कर रही हूँ, इस तरीके से कर लेंगे। और मस्कारा से अपनी आईब्रोज़ को सेट करेंगे तो काफ़ी डिफरेंट लुक मिलेगा, क्योंकि इससे क्या होता है कई बार बाल ऊपर नीचे हो जाते हैं तो मस्कारा बिल्कुल सेट कर देता है। और इसकी फिंगर की सहायता से लगा लेंगे अपनी आईज में मस्कारा, अपनी दोनों आई लैशेज को एकदम मिलाते हुए लगाएंगे इस तरीके से, और ये नीचे भी लगा लेंगे इस तरीके से अपनी आईज एरिया में। और देख रहे हो कई बार ब्राइडल को क्या होता है, जब हम मस्कारा लगाते हैं लाइनर लगाते हैं तो शायद आपकी ब्राइड को भी प्रॉब्लम हो जाए, पानी आ जाता है, तो आप एक टिश्यू अपने पास जरूर रखेंगे, फेस पर आंसू बिल्कुल भी ना निकलने दें, टिश्यू लेके आईज कॉर्नर पर लगा देंगे तो पानी बाहर की तरफ नहीं आएगा आंसू, और आपका मेकअप भी नहीं बिगड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। और उसके बाद करेंगे अपने आईज मेकअप को सेट, आईज मेकअप को सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखते हो मेरी आई, जितनी भी ब्राइड करती हूँ तो आईज लुक काफ़ी अच्छा होता है। सॉरी, मैं अपनी तारीफ़ अपने आप कर रही हूँ, बट आप लोगों ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अपनी तारीफ़ खुद कर सकूँ, और ये देख रखे हो कितनी क्लियर हो जाती है। और इस तरीके से करेंगे, और बाद में मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा कंसीलर बैक में डिफरेंट लुक देने के लिए, कोई भी लगा लेंगे आप। यहाँ मैंने एलेगर्ल का HD यूज़ किया है, और उसके बाद लगा लेंगे आई ग्लिटर। तो यहाँ पर आज मैंने ग्रीन शेड दिया है फ्रंट में, तो इसीलिए मैं आई ग्लिटर ग्रीन शेड का ही लगाऊंगी, और हल्का हल्का सा लगा लेंगे। आप चाहेंगे तो फेसेस अल्ट्राइन प्रो के ग्लिटर यूज़ कर सकते हैं, बट उनमें आप ग्लू मिलाएंगे साथ में, जितने भी पाउडर आते हैं। और आपको इन सभी प्रोडक्ट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ चेक जरूर करें और एक क्लिक जरूर करें। और आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। और ये देख सकते हो मेरी ब्राइड का लुक। इसके बाद मैं लगाऊंगी बिंदी, पहनाऊंगी नई ज्वेलरी इस तरीके से, और ये है इनका लुक। उसके बाद थोड़ा सा अगर आपको लगता है आपके आईशैडो में थोड़ी कमी है, जैसे बैक एरिया में थोड़ा सा डार्क नज़र नहीं आता है, तो आप एक बार दोबारा से हल्का सा कर लेंगे, बट ये आप पे डिपेंड होता है। अगर आपको ये लुक अच्छा लग रहा है तो देख सकते हो मैंने थोड़ा सा कॉर्नर एरिया से ब्लैक डार्क कर दिया है, तो वो डिफरेंट लुक आ रहा है। और आप चाहते हैं कि विंटर सीजन है तो आपकी ब्राइड के लिप्स ड्राई ड्राई ना लगें, थोड़ा सा ग्लोसी लुक मिल जाए, तो यहाँ मैंने बेला वोस्टे का लिप ग्लोज यूज़ किया है। और उसकी बात कर लेंगे हम मेकअप फिक्सर, फेसेस अल्ट्राइन प्रो का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ मैं अपने मेकअप को सेट करने के लिए। और ये है मेरी ब्राइड का लुक, देख सकते हो आप, बिल्कुल लाइट लाइट है। ब्लशर मैं ज़्यादा लगाना पसंद नहीं करती हूँ, अगर आपको कम लगता है तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और मैंने किया था ये इनका हेयर डू, अगर ये हेयर डू का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल ऑल अबाउट हेयर पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिलेगा हेयर डू, तो सीख सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। काफ़ी डिटेल में बताया मैंने ये आपको बनाना, और देख सकते हो क्योंकि मैंने ये प्रिया के ऊपर बताया था और मैं आपको बता नहीं पाए थे किस तरीके से बनाना है। और इसकी दुपट्टा सेटिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपको मेरा मेकअप लुक पसंद आया और ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।